सोनभद्र के रावटसगंज में सपा नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य गया सिंह को तथाकथित नक्सलियों का धमकी भरा पत्र मिलने से सनसनी फैल गई। धमकी देते हुए ये बताया गया कि 2 बजे रात के अंधेरे में फोन करके लाल बैग में 15 लाख रुपए रखकर उर्मौरा में आवास पर पहुंचा दो, नहीं तो ऊपर से 6 इंच छोटा कर दिए जाएंगे। इसको देखते हुए सपा नेता और उनका पूरा परिवार डर रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को नक्सलियों से जुड़ा हुआ नहीं मान रही है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य को एक धमकी भरा पत्र जरूर मिला है, जिसकी तस्दीक की जा रही है। उसमें जिन लोगों का नाम लिखा है तथाकथित रूप से जिन्होंने धमकी दी है, उनमें से 2 लोगों से पूछताछ हुई है और इसमें फिलहाल प्रथम दृष्टया अभी तक कोई नक्सली कनेक्शन नहीं नजर आ रहा है, कोई शरारती तत्व फिलहाल। जन टीवी के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।